हेलो दोस्तों, कैसे हो? स्वागत है आपका मंच इस वीडियो में। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको रॉबर्ट जेम्स फिशर यानी बॉबी फिशर वर्सेस लायम सुरन और मैगमर सुरन की गेम दिखाऊंगा। तो दोस्तों, यहां पर जो वाइट से खेल रहे हैं वो है अपने रॉबर्ट जेम्स फिशर, और दोस्तों जो ब्लैक से खेल रहे हैं वो दोस्तों कुछ उनका अलग ही नाम है। तो दोस्तों, यहाँ पर ये जो गेम है बहुत ही ज़्यादा एक क्वीन सेक्रीफाइस फिनिशर गेम है। तो दोस्तों, यहाँ पर एक लास्ट में गेम को फिनिश करने के लिए जो रॉबर्ट गेम फिशर ने जो सेक्रीफाइस दिया है वो दोस्तों बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है। तो दोस्तों, यहाँ पर ये जो गेम है 1967 में खेला गया था, राउंड 3 है दोस्तों ये। एंड यहाँ पर वाइट ने स्टार्टिंग करी दोस्तों, यानी बॉबी फिशर ने स्टार्टिंग करी e4 से। एंड दोस्तों, किंग्स पॉन ओपनिंग, और दोस्तों यहाँ पर ब्लैक ने रिप्लाई दिया e6। यानी यहाँ पर किंग्स पॉन ओपनिंग के साथ दोस्तों यहाँ से बिशप ओपनिंग भी यहाँ पर खेली गई। एंड यहाँ पर गेम में d3 खेला गया, d5, नाउ नाइट d2। एंड नाइट d2 का मतलब है जब भी यहाँ पॉन पे कैप्चर होता है तो दोस्तों अपन नाइट से कैप्चर कर लें। नाइट f6 एंड g3। एंड यहाँ पर बिशप की डायगनल क्लियर करना, और दोस्तों बिशप को g2 पर लगाना। यहाँ पर चाह रहा है वाइट। एंड यहाँ पर c5 खेला गया। एंड यहाँ पर बिशप g2 खेला गया, नाइट c6 एंड नाइट gf3 एंड बिशप e7। अब दोस्तों यहाँ पर वाइट भी चाह रहा है मैं भी कैसल कर लूँगा, दोस्तों ब्लैक है वो भी चाह रहा है कि कैसल कर लें, बट गेम में यहाँ पर वही हुआ, यहाँ पर दोनों ने कैसल कर ला, शॉर्ट कैसल। एंड यहाँ पर शॉर्ट कैसल के बाद दोस्तों e5 खेला गया। एंड यहाँ पर नाइट पर अटैक, नाइट d7, दोस्तों पॉन पर अटैक हो रहा है क्योंकि दोस्तों डबल नाइट है। नाउ रुक e1, यहाँ पर पॉन को सेव करो। एंड b5 एंड नाउ नाइट f1 गेम में खेला गया, क्योंकि दोस्तों नाइट f1 का क्या मतलब है कि दोस्तों यहाँ पर जो बिशप है उसका डायगनल जो है क्लियर हो गया, क्योंकि दोस्तों पहले जब यहाँ नाइट था तो दोस्तों अपना जो बिशप था वो कहीं मूव हो नहीं पा रहा था, बट दोस्तों अब यहाँ पर मूव हो सकता है। एंड b4 गेम में खेला गया, h4 यहाँ पर अटैक चालू करा बॉबी फिशर ने किंग साइड ब्लैक के। एंड यहाँ पर a5, नाउ बिशप f4 एंड नाउ पॉन को यहाँ पर दोस्तों पॉन को मतलब यहाँ पर वो सेव भी कर दिया। और दोस्तों जब भी यहाँ पर ब्लैक इस पॉन को मूव करता है तो दोस्तों अपन यहाँ से कैप्चर कर सकते हैं, इसलिए ही दोस्तों यहाँ पर जो ये पॉन था यहाँ पर इसलिए यहाँ पर खेला गया। एंड दोस्तों यहाँ पर बिशप f4 के बाद गेम में खेला गया a4। अब दोस्तों जो ब्लैक है वो तो यहाँ पर वाइट के किंग साइड अटैक कर नहीं सकता, तो दोस्तों इसलिए वो यहाँ पर पॉन मूव कर रहा है। एंड a3 गेम में खेला गया, पॉन टेक्स ऑन a3 एंड पॉन टेक्स ऑन a3। अब दोस्तों इस पोजीशन में रुक करते हैं अपन, मान लीजिए तो दोस्तों ये पॉन चलेगा, और दोस्तों अब बिशप से सीधे रुक पर अटैक है, और दोस्तों यहाँ कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। तो दोस्तों इसलिए यहाँ पर गेम में पॉन से कैप्चर किया गया। एंड अगर अपन दोस्तों रुक से कैप्चर करते हैं तो दोस्तों एक वो मिस्टेक हो सकती थी। नाइट a5 गेम में खेला गया, एंड नाइट e3, बिशप a6, बिशप x6 दोस्तों इसलिए खेला गया ताकि दोस्तों यहाँ पर कुछ यह क्वीन आए और दोस्तों यहाँ पर कुछ अटैक होए, बट गेम में अभी यहाँ पर ब्लैक की तरफ से दोस्तों कुछ अटैक लग नहीं रहा था। एंड यहाँ पर बिशप h3 खेला गया, एंड d4 नाइट पर अटैक, यहाँ पर नाइट f1 गेम में खेला गया, नाइट b6। अब दोस्तों नाइट b6 का मतलब है यहाँ पर नाइट को d5 पर मूव करके बिशप को कैप्चर करना, या फिर यहाँ पर और कुछ मूव करना। यहाँ पर नाइट g5 खेला गया। एंड दोस्तों गेम में नाइट d5 खेला गया। अब दोस्तों दो थ्रेट है कि दोस्तों यहाँ से कैप्चर कर सकता है, और या फिर जो नाइट है वो c3 पर जा सकता है। एंड यहाँ पर गेम में बिशप d2 खेला गया ताकि दोस्तों जैसे ही नाइट यहाँ पर आता है तो दोस्तों अपन यहाँ पर कैप्चर कर लें, बट गेम में पहले ही बिशप g5 खेला गया, यानी पहले यहाँ पर ब्लैक ने वाइट का नाइट को यहाँ पर ख़त्म कर दिया। एंड यहाँ पर कैप्चर करने के बाद बिशप टेक्स ऑन g5 एंड क्वीन d7 एंड नाउ
क्वीन एच फाइव गेम में खेला गया। अब दोस्तों यहाँ पर जो बॉबी फिशर है वो अटैक करने जा रहा है क्वीन के साथ में, बट गेम में रुक एफ सी एट खेला गया ताकि दोस्तों किंग को अपन मूव करने के लिए थोड़ी जगह मिले। बट गेम में नाइट डी टू खेला गया एंड नाइट सी थ्री गेम में खेला गया। अब जाके दोस्तों यहाँ पर ब्लैक ने यहाँ पर नाइट सी थ्री खेला, पर दोस्तों अब यहाँ पर कुछ ज़्यादा मतलब नहीं है खेलने का क्योंकि दोस्तों अपन नाइट को और कहीं चल नहीं सकते। एंड यहाँ पर बिशप एफ सिक्स एक सेक्रीफाइस यहाँ पर दिया। अब दोस्तों ये सेक्रीफाइस क्यों दिया, अगर दोस्तों इस पोजीशन में अपन ये कैप्चर करते हैं तो दोस्तों क्या होगा, यहाँ पर ये पॉन जो है वो यहाँ पर अटक जाएगा और दोस्तों फिर जो पोजीशन है वो दोस्तों अपन विन कर सकते हैं। क्योंकि दोस्तों यहाँ पर क्या है कि अपन जैसे ही कैप्चर करा यहाँ पर, मान लीजिए यहाँ पर इस पोजीशन में अपन ने कैप्चर करा तो दोस्तों यहाँ पर जब ये पॉन अटक जाता है तो दोस्तों फिर अपन क्या होगा कि यहाँ पर ब्लैक अब कुछ भी चीज़ मूव करता है, मान लीजिए क्वीन को यहाँ मूव करा, फिर दोस्तों जो अब चेकमेट हो रही है वो दोस्तों सेव नहीं हो सकती। तो दोस्तों हो सकती है बट दोस्तों यहाँ पर करके और फिर कैप्चर करने के बाद, पर दोस्तों जो पोजीशन है वो दोस्तों वाइट की ज़्यादा अच्छी होगी क्योंकि दोस्तों फिर यहाँ से रुक आ जाएगा और फिर दोस्तों यहाँ पर चेकमेट हो सकती है क्योंकि दोस्तों यहाँ पर थ्रेड बन गई है और दोस्तों यहाँ पर जो पोजीशन है वो बेटर नहीं है। तो दोस्तों इसलिए यहाँ पर ब्लैक को भी कुछ लगा था कि है ना यहाँ पर मतलब कुछ हो सकता है, इसलिए दोस्तों यहाँ पर उसने पहले तो क्वीन ई एट खेला एंड दोस्तों उसके बाद गेम में नाइट ई फोर खेला। दोस्तों यहाँ पर पोन मूव करा और दोस्तों पोन मूव करने के बाद गेम में एक दोस्तों मिस्टेक कर दी ब्लैक ने। अब दोस्तों वो मिस्टेक अपन देखेंगे क्या करी कि दोस्तों यहाँ पर पहले तो गेम में क्या हुआ जी फाइव खेला गया क्वीन को एंड यहाँ पर गेम में नाइट टेक्स ऑन ई फोर, रुक टेक्स ऑन ई फोर। अब दोस्तों रुक से ही क्यों कैप्चर करा, दोस्तों रुक से कैप्चर करने का मतलब है कि दोस्तों रुक को भी यहाँ पर लाना और दोस्तों कुछ अटैक करना। एंड यहाँ पर पॉन मूव करा सी फोर एंड यहाँ पर वाइट ने भी पॉन मूव करा एंड यहाँ पर एच फाइव और दोस्तों अब अपन कैप्चर नहीं कर सकते गेम में। पॉन टेक्स ऑन डी थ्री खेला गया एंड नाउ यहाँ पर दोस्तों खेला गया रुक एच फोर। अब दोस्तों ये बहुत ही बेस्ट मूव है इस पोजीशन के लिए क्योंकि दोस्तों यहाँ पर क्या है कि अटैक अब बहुत इजीली अपन कर सकते हैं। मान लीजिए दोस्तों यहाँ पर ब्लैक पॉन मूव करता है देन अब दोस्तों यहाँ पर चेकमेट सेव नहीं होगी, अब आप क्वीन लगा लो तो दोस्तों चेकमेट हो जाएगी। तो दोस्तों यहाँ पर गेम में पॉन को भी नहीं चल सकते, तो दोस्तों गेम में क्या हुआ रुक ए सेवन चला गया ताकि दोस्तों यहाँ पर कुछ हुए गेम में, यानी गेम जो है वो ब्लैक की तरफ से भी आगे बढ़ता रहे। बट यहाँ पर जो बॉबी फिशर थे जो कि दोस्तों वाइट से खेल रहे थे वो नहीं चाह रहे थे कि ये गेम आगे चले, वो बस यहाँ पर चेकमेट करना चाह रहे थे। एंड दोस्तों गेम में खेला गया बिशप जी टू एंड पॉन टेक्स ऑन सी टू एंड यहाँ पर गेम में क्या हुआ, गेम में यहाँ पर पॉन मूव करते हैं दोस्तों, तो दोस्तों अपना रुक है और भी दोस्तों क्वीन का डायगोनल भी यही है एंड यहाँ पर क्वीन एच सिक्स खेला गया एंड दोस्तों यहाँ पर एक अनदर ब्रिलियंट मूव यहाँ पर आप कह सकते हैं कि दोस्तों यहाँ खेला गया कि दोस्तों यहाँ पर ब्लैक ने तो खेला एफ एट किंग क्वीन को मूव करा, बट दोस्तों जो ब्रिलियंट मूव जो आप वाइट ने खेला हो वो दोस्तों कुछ अलग ही था, पर वाइट ने एक सेक्रीफाइस दिया एच सेवन का और दोस्तों यही है इस गेम का बहुत अमेजिंग सेक्रीफाइस। अब दोस्तों यहाँ पॉइंट ये है कि दोस्तों अब आप यहाँ कैप्चर करते हो देन अगेन चेक आएगी। दोस्तों इस चेक के बाद में क्या होगा कि दोस्तों अब आप अगर कहीं भी मूव करते हो, मान लीजिए एक ही पोजीशन है अब यहाँ पर हो जाएगी चेकमेट और दोस्तों अगर इस पोजीशन में आप कैप्चर करने की सोचते हो तो दोस्तों यहाँ से वैसे ही यहाँ पर बिशप से चेकमेट हो रही है। तो दोस्तों ये जो पोजीशन थी यहाँ पर जो सेक्रीफाइस था बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग था। तो दोस्तों आई होप मेरी गेम और ये वीडियो दोनों ही आपको बहुत पसंद आई होगी, दोस्तों पसंद आई तो लाइक जरूर करना और दोस्तों इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।